जब भी हम लोग पहुंच गए मनाली में, बस अब मनाली नेक्स्ट लोकेशन है अपनी सोलंग वैली। वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई? तो यहाँ बाइक्स लगाते हैं यार, तो यहाँ पे फोटोज वगैरह। ओए ओए, एक पैराशूट यहाँ पे है, एक आगे भी है। यार अभी यहाँ पे खाना खा लिया तो अभी चलते हैं। कृष्णा भाई अपना सेटअप लगा रहे हैं, तो लेट्स गो। तो हे गाइस, यार अभी हमने यहाँ कुल्लू में एक ब्रेक ली थी छोटी सी, तो अभी यहाँ से निकल गए हैं, तो चलते हैं कंटिन्यू। अभी कहीं पे रुकना नहीं है। तो आज का व्लॉग यार 11 बजे स्टार्ट हुआ है, तो पता नहीं हम कब जैसे पहुँचेंगे। तो आप लोग एंजॉय करो राइड को। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो प्यारा सा, और एंजॉय करो इन वादियों को। तो गाइस, कुल्लू में हमें एक काम है, बस वो काम करना है। क्यों? तो कुल्लू में सुनील ने अपने भाई से जैकेट लेना है, बस वही हमने पिक करना है और फिर सीधा चलेंगे कंटिन्यू। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं माहौल में, तो आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ देखो कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट है। ये झंडिया देखो कितनी अच्छी लगी है, और बाइक पर भी यही झंडिया लगी है सेम। स्पीड चेक करो गाइस, यार मेरे को डर बस एक ही बात का है कि फोन ना गिर जाए, क्योंकि यार इस पे बहुत तेज हवा बज रही है आगे से। तो ये जो स्काई ब्लू कलर का आप लोग देख रहे हो, तो ये रहा कुल्लू का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। तो यार मुझे तो पता नहीं है, सुनील बता रहा है मेरे को, क्योंकि ये यहाँ पे रह चुका है बहुत लंबे टाइम के लिए। बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे कुल्लू में, तो आगे से जाएंगे हम, लेफ्ट लेंगे आगे से। तो यार दशहरे के टाइम हमारा चलान हो गया था यहाँ पे, क्योंकि यार ये जो लेन है ना, ये वाली लेन सिंगल है, और हम वहाँ से आ रहे थे क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ पर ही जाती है और हम लोग पर ऐसे इधर को आ रहे थे, तो तब करके यार हमारा चलान होने वाला था यहाँ पे। तो उन्होंने छोड़ दिया, हमने बोल दिया उनको कि सर हमको जो है मतलब कोई पता नहीं है यहाँ का, तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यार वो सर बहुत अच्छे थे कि उन्होंने छोड़ दिया, अदरवाइज यार 2000 रुपये का चलान हो जाना था वहीं पर ही। तो गाइज, बस के पीछे देखो क्या लिखा है, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई? कौन थी गाइज बताओ कमेंट करके, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई, जल्दी से कमेंट करके बताओ जो मुस्कुरा के चली गई है। यार यहाँ कुल्लू में जो है सुनील के भाई का सलून है, हेयर सलून। तो अगर आप लोग कुल्लू से हो तो एक बार चेक करना उनके सलून में, मतलब काम करवा के। तो गाइस, सामने आप देख रहे हो ना, ये ओल्ड वाली ड्यूक, और ये है 2022 मॉडल। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि उसका डिज़ाइन प्यारा है या मेरी वाली का। भाई मेरे को तो वो डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जो ये वाला मॉडल जो इन्होंने चेंज करके ये वाला मॉडल दिया ना, ये मुझे पसंद आ गया था देखते ही। तो ये वाला मुझे पसंद नहीं था, तब करके मैं ड्यूक को ज़्यादा देखता नहीं था। तो अभी सुनील भी आ गया है जैकेट लेके, तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से। तो मनाली बच गया है यहाँ से 37 किलोमीटर, तो चलते हैं। कृष्ण भाई पता नहीं यार आगे चले गए कि पीछे, अभी आगे तो चले गए होंगे यार वो, क्योंकि वो भी आराम से चलने वाले तो है नहीं, वो भी मतलब फुल ऑन फुल पावर चले होते हैं। जब भी हम लोग पहुँच गए मालती बाग, तो यार कृष्ण भाई हमें अभी तक नहीं मिले, आई थिंक वो बहुत स्पीड पर चले हैं। यार रोड्स चेक करो गाइज, ऊपर देखो बर्फ भी गिरी है पहाड़ों पे। तो गाइज ऊपर देखो पैराशूट,
ऊपर देखो, आई थिंक पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक पैराशूट यहाँ पे है, एक आगे भी है। वहाँ देखो गाइस, ये देखो कैसे घूम रहा है बंदा। यार भाई मैंने इसके एक्सीडेंट्स देखे हैं ना, तो उसके बाद तो भाई मुझे डर ही लगता है। मैं बैठा नहीं हूँ अभी तक, बट यार मेरे को डर लगता है ऐसे ही, क्योंकि यार भाई वो एक्सीडेंट्स देखे हैं ना मैंने पैराग्लाइडिंग वाले, तो नहीं से दिल में डर बैठ गया है। अभी हम लोग पहुँच गए रायसेन में, तो कुल्लू का रायसेन है गाइस, ये देखो यार भाई सड़कें यहाँ पे ना अनलिमिटेड सड़कें हैं भाई, दौड़ाए चलो कोई से नहीं। गाइस पीछे देखो पहाड़ों पे बर्फ गिरी है, पूरे पूरे पहाड़ यार बर्फ से ढके हुए हैं। मनाली बच गया यहाँ से 21 किलोमीटर, अभी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, डोभी में पहुँच गए गाइस। डोभी, डोभी है जगह का नाम, डी फॉर डोभी। यार अभी हम मनाली से 12 या 13 किलोमीटर दूर है, बट यार व्यू देखो यहाँ पे कितना सही है, मतलब बहुत ही प्यारा, किसको बोलते हैं ऊपर से ऊपर बर्फ गिरी है पहाड़ों पे। जय कृष्ण भाई, हमें अभी तक नहीं मिले, उन्होंने भाई वो फुल पावर चले आज, किसको बोलते हैं फुल पावर। पीछे तो यार वो होंगे नहीं भाई, पीछे रहने वालों में से तो वो है नहीं, आगे ही गए हैं वो। गाइस जगह देख रहे हो ना कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है यार। अभी तो मनाली पहुँच चुके हैं, मनाली से पीछे अभी 12 किलोमीटर। वो चेक करो गाइस पीछे देखो, पूरा पहाड़ जो है बर्फ से ढका हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो गाइस अभी हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं, तो यार वहाँ देखो पीछे आई थिंक यही जो है रोहतांग पास है, तो जो अटल टनल है ना वो भी रोहतांग पास के नीचे से होकर गई है। तो यार देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। मनाली बच गया 2 किलोमीटर गाइस, 2 किलोमीटर। इसके बाद सोलंग वैली है यहाँ से 18 किलोमीटर। यार बहुत, मतलब बहुत दूर की ट्रिप है आज, 18 किलोमीटर बच गया सोलंग वैली। उसके बाद फिर हमने अटल टनल जाना है, उसके बाद सिसु तक का प्लान है। वैसे कृष्णा भाई को देखते हैं कहाँ तक चलेंगे। पेट्रोल पंप पूछ भला, पेट्रोल पंप है आगे भैया, पेट्रोल पंप है आगे। हाँ भाई बस 2 किलोमीटर चले जाओ। ठीक है धन्यवाद। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए मनाली में, बस अब मनाली से भी आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन है अपनी सोलंग वैली। यार कृष्णा भाई तो गायब ही हो गए, ऊपर पता नहीं बर्फ सुनगिरी होगी गाइज, पता ही नहीं है कोई। तो अटल टनल बच गई यहाँ से यार 24 किलोमीटर, बस लास्ट का 24 किलोमीटर बच गया और फिर हम लोग पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। बट भाई जो एक कहावत है ना कि असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का है, तो वही सीन है गाइज यहाँ का, जो सफ़र में मज़ा आता है ना वही मतलब नेक्स्ट लेवल का है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करेंगे। तो गाइज अभी बाइक में फ्यूल भरवा दिया, तो 500 रुपये का और डलवाया मैंने इसमें, तो अभी यार मतलब फुल ही होने वाली है टंकी, बस 1 साल बचा है इसका। तो अभी चलते हैं, कृष्णा भाई यार हमसे पीछे थे, वो तो अभी मनाली पहुँचे होंगे, तो हम रुकेंगे आगे यहाँ पे भी, थोड़े से वीडियो शॉट लिए और आगे भी लेंगे थोड़ा सा। गाइज व्यू देखो यार कितना प्यारा व्यू है, मतलब अल्टीमेट व्यू किसको बोलते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ आगे, रुकेंगे आगे, रील्स वगैरह शूट करेंगे, रील्स स्टोरी भी डालेंगे और रील्स भी शूट करेंगे, फोटोज भी लेंगे। यार लोग देखो नीचे नदी में चले गए हैं फोटोज लेने। गाइस ऊपर देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ के बीच में झरने, यार बहुत प्यारा व्यू है। तो अभी जो है
आई थिंक ये वाला रोड अब बीआरओ के अंडर आ गया। तो यार बीआरओ के जो रोड्स होते हैं ना भाई, एकदम अल्टीमेट, एक नंबर, किसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मनाली से आगे, 24 किलोमीटर बच गया गाइस सारा भी, तो पहुँच जाएंगे हम थोड़ी देर में। तो मैं आराम से ही चलाऊँगा अभी, क्योंकि यार कृष्ण भाई पीछे हैं, कृष्ण भाई और संजू भाई। तो ऊपर से गाइस इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, आगे वाले पहाड़ तो भाई पूरे पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। यार ये बंदा कर क्या रहा है, ना ओवरटेक ले रहा है गाड़ी, देखो कहाँ बीच रोड में ना ओवरटेक कर रहा है, ना इस साइड चला है। पालचन, तो पालचन कौन थे, पेड पार्किंग है, तो यहाँ बाइक्स लगाते हैं यार। तो यहाँ पे फोटोज वगैरह,